गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, और पिछले लेक्चर में हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हमने सीखा था। आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं। हमने जब पिछला लेक्चर लिया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए इनका नाम ए और बी है, तो हो सकता है ए बी डिफाइन हो और बी ए डिफाइन ही ना हो। यानी जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव हो जरूरी नहीं है। तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और बात करें। तो क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि ए बी और बी इन जनरल बराबर नहीं होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती हैं जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सेम भी हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल लें, मान लीजिए मैट्रिक्स ए लेते हैं हम, तो मैट्रिक्स ए हम ले लें 1 2 0 0, और मैट्रिक्स बी ले लें 5 6 0 0। पहले हम ए इंटू बी करते हैं, तो ए इंटू बी देखें, ए इंटू बी हमें क्या मिलेगा, दोनों के ऑर्डर सेम है, ए का ऑर्डर भी 2 × 2 है और बी का ऑर्डर भी 2 × 2 है, यानी ए इंटू बी भी 2 × 2 मैट्रिक्स ही होगा। तो अब शुरू करते हैं, क्योंकि आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, तो यहां हमें मिलेगा 1 × 5 और 0 × 0 यानी कि 5, उसके बाद 1 × 0 और 0 × 6 दोनों ही 0 मिलेंगे। अब 2 1 जो एलिमेंट मिलेगा 0 × 5 यानी 0, और 2 × 0 ये भी 0, और जो 2 2 की फॉर्म हमें मिलेगी तो 0 × 0 और 2 × 6 यानी कि 12। तो ये तो हुआ a इंटू बी। अब आप b इंटू ए कर लें, तो जब आप b इंटू ए करें तो b को पहले लिख लें, a को उसके बाद में लिखें। तो मैं अपनी सुविधा के लिए a को b के बाद में लिख रहा हूं। तो अब b और a का प्रोडक्ट करते हैं, तो b और a का प्रोडक्ट जब करेंगे 5 × 1 करेंगे और 0 × 0 यानी 5। ए 1 2 का मतलब होगा 5 × 0 प्लस 2 × 0 ये भी 0। ए 2 1 होगा 0 × 1 प्लस 6 × 0 यानी 0, और ए 2 2 होगा 0 × 0 प्लस 6 × 2 यानी कि 12। अब आप यहां देख सकते हैं कि जो a इंटू बी है वही b इंटू ए भी है, यानी यहां पर ए बी और बी ए बराबर है, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि यूजुअली ए बी और बी ए बराबर नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, बट इन सम केसेस इट मे बी इक्वल। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां ए बी और बी ए बराबर होते हैं। तो आप यहां पर एक बात नोट कर रहे होंगे कि यहां पर जो मैट्रिक्स ए है या मैट्रिक्स बी है, दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स हैं। तो जब भी आप दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्थिति में जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा बराबर होगा। तो आप याद रख सकते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग टू डायगोनल मैट्रिक्स वी गेट प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। दोनों ही परिस्थितियों में जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। अब अगली एक और प्रॉपर्टी की बात करें। हम जब भी मैथमेटिक्स में चर्चा करते हैं कि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो होता है
मान लीजिए ए और बी दो नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब ये होता है इनमें से या तो ए जीरो है या बी जीरो है। लेकिन मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों मैट्रिक्स में से कोई जीरो मैट्रिक्स हो। ऐसा भी हो सकता है कि दो मैट्रिक्स हम लें, दोनों नॉन जीरो हों और फिर भी उनका प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो देखते हैं एक एग्जांपल। अगर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए जीरो जीरो टू थ्री ले लें और एक मैट्रिक्स और ले लें फाइव जीरो टू जीरो, ए और बी का प्रोडक्ट करते हैं। ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे जीरो इंटू फाइव यानी जीरो और टू इंटू जीरो यानी कि जीरो, ए वन टू होगा जीरो इंटू टू प्लस टू इंटू जीरो, दोनों ही जीरो हैं। अब टू वन होगा जीरो इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू जीरो, ये भी जीरो है, और टू टू होगा जीरो इंटू टू प्लस थ्री इंटू जीरो यानी कि जीरो। अगर आप बी इंटू ए बी करेंगे तो भी ये जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो ए इंटू बी यहां पर हम देख रहे हैं जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हुआ इट इंप्लाइज दैट इफ ए बी इज ए जीरो मैट्रिक्स देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट इधर ए और बी इज जीरो, यानी ए और बी का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि इनमें से एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा। हो सकता है दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हों फिर भी उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाए। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं कि हमने ये देखा कि दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम आ जाए, यानी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। लेकिन अगर तीन मैट्रिक्स हमें दिए जाते हैं जो प्रोडक्ट जिनका किया जा सके यानी प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मेबल हों, तो ऐसी स्थिति में उन तीनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम ही आएगा, आप चाहे किसी भी ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई करें। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स ए लेते हैं वन टू जीरो वन, बी मैट्रिक्स लेते हैं टू जीरो फोर थ्री, एक मैट्रिक्स और हम ले लेते हैं सी और ये ले लेते हैं टू वन थ्री टू। हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि ए इंटू बी करने के बाद इनको सी से मल्टीप्लाई करें या ए को बी इंटू सी से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही परिस्थितियों में आंसर सेम होगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, फिलहाल हम एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इंटू सी, तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए इंटू बी क्या होगा, तो ए इंटू बी होगा वन इंटू टू यानी कि टू प्लस टू इंटू फोर यानी कि एट। अब ए वन टू मालूम करते हैं, वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू थ्री तो जीरो प्लस सिक्स। अब टू वन जीरो इंटू टू यानी जीरो और वन इंटू फोर यानी कि फोर, और टू टू होगा जीरो इंटू जीरो प्लस वन इंटू थ्री यानी जीरो प्लस थ्री। तो यानी ए इंटू बी हमें मिला है टेन सिक्स फोर थ्री। अब ए बी को हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी को हमने सी से मल्टीप्लाई करा, टेन सिक्स फोर थ्री को हमने सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा टू वन थ्री टू। तो देखिए क्या हमें मिलेगा, टेन इंटू टू यानी ट्वेंटी
और 6 × 3 18, 20 और 18 का जोड़ हो गया 38। अब A12 होगा 10 प्लस 6 × 2 यानी 12, 10 और 12 यानी 22। अब A21 है 4 × 2 8 और 3 × 3 9, 8 और 9 17। और A22 होगा 4 × 1 यानी 4 प्लस 6 यानी कि 10। तो ये जो रिजल्ट है ये हमें मिला है AB × C का। इस पर हम इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। अब हम A × BC भी फाइंड करेंगे, तो इसलिए पहले हम BC फाइंड करते हैं, तो B × C करते हैं। तो B × C होगा 2 × 2 यानी 4 प्लस 0 × 3 यानी 0, तो 4। उसके बाद 2 × 1 प्लस 0 × 2 यानी कि 2। फिर 8 प्लस 9 यानी कि 17 और 4 प्लस 6 यानी कि 10। तो ये हो गया है BC। अब हम A × BC मालूम करते हैं। A यहां पर है 1 2 0 1 और इसको गुणा करना है 4 2 17 10 से। तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 4 प्लस 34, तो 4 और 34 हो गए 38। A12 होगा 2 प्लस 20 यानी कि 22। अब 21 यानी 0 × 4 + 1 × 17 यानी कि 17। और 22 होगा 0 × 2 यानी 0 और 1 × 10 यानी कि 10। तो ये A × BC है। अब इसको मैच करें, ये AB × CB उतना ही था जितना A × BC था, यानी कि AB × C और A × BC दोनों सेम है। इसका मतलब हुआ कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता लेकिन एसोसिएटिव जरूर होता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी मैट्रिसेस आप ले रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है कॉम्यूटेटिव नहीं होता, दूसरी प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव जरूर होता है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम बात करते हैं कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी चेक करूं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में बंटन गुणधर्म के नाम से, यानी कि A × B + C अगर आप करें तो उतना ही होता है जितना कि AB + AC होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको भी हम चेक करके देखते हैं। आप कोई भी ऐसे मैट्रिक्स ले सकते हैं, फिलहाल हम इसी एग्जांपल को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए हम B + C फाइंड करते हैं। तो B + C क्या होगा वो जरा देखिएगा। B + C आपको लिखते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम काम करें लेफ्ट साइड में उसी काम को लिखें भी। जैसे इस लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड अगर हमें करनी है तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि हम B + C की वैल्यू फाइंड करें। फिलहाल यहां पर B + C होगा 2 और 2 4, 0 और 1 यानी 1, 4 और 3 7, 3 और 2 5। अब इसको A से गुणा करना है, तो A से गुणा करते हैं B + C को, यानी 1 2 0 1 को 4 1 7 5 से हमने गुणा किया। देखें रिजल्ट क्या आता है, 4 + 14 यानी 18, 1 + 10 यानी 11, 0 + 7 यानी 7, 0 + 5 यानी कि 5।
तो ये लेफ्ट साइड हो गया जो कि a इंटू बी प्लस सी है। अब मुझे एक बार ए बी फाइंड करना है, उसके बाद हम ए सी फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, a इंटू बी। तो ए बी हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है अभी, तो a गुणा दो और दो गुणा चार, दो प्लस आठ यानी कि दस, जीरो प्लस छ यानी छ, जीरो प्लस चार यानी कि चार, जीरो प्लस तीन यानी कि तीन। तो ये तो हुआ a इंटू बी। अब करते हैं a इंटू सी, a और c का गुणा। ये a है और ये c है, a गुणा दो यानी दो और दो इंटू तीन छ, दो प्लस छ यानी कि आठ। अब a वन टू, एक प्लस चार यानी कि पांच। अब a टू वन की वैल्यू निकालते हैं, जीरो गुणा दो यानी जीरो और a गुणा तीन तीन, तो ये हो गया तीन। अब a टू टू की वैल्यू जीरो गुणा एक और दो गुणा एक यानी जीरो प्लस दो। तो ए बी भी हमने फाइंड कर लिया है, ए सी भी फाइंड कर लिया है, ए बी प्लस ए सी हम फाइंड करते हैं। तो ए बी प्लस ए सी होगा दस और आठ अट्ठारह, छ और पांच ग्यारह, चार और तीन सात, तीन और दो पांच। अब आप जरा इसको मैच करें, जो हमारा लेफ्ट साइड था तो वो सेम मैट्रिक्स था, अट्ठारह ग्यारह सात पांच, यानी कि a इंटू बी प्लस सी उतना ही होता है जितना ए बी प्लस ए सी होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब अगली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम कोई भी मैट्रिक्स ले लें, लेकिन वो अब स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर दें एक ऐसे मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वही मैट्रिक्स आंसर में दे दे, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर ऑर्डर टू है वो हम लिखते हैं वन जीरो जीरो वन से। ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहते हैं इसका भी अभी हम खुलासा करेंगे कि अगर मैं इस मैट्रिक्स आई को ए से मल्टीप्लाई करता हूं, देखें रिजल्ट क्या आता है। तो ए इंटू आई करते हैं, ए इंटू आई करेंगे आप वन इंटू वन प्लस टू इंटू जीरो यानी वन, ए वन टू क्या होगा वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू वन यानी कि टू। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो, और ए टू टू होगा जीरो प्लस वन। तो ए इंटू आई जब आपने करा तो वन टू जीरो वन मिला, यानी ए ही आया। इसी तरह से अगर आई का ए से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो देखें क्या आता है। तो आई का ए से मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मैं ए को साइड में लिख लेता हूं, ए के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो वन प्लस जीरो दैट इज वन, वन इंटू टू प्लस जीरो इट्स अगेन टू, जीरो प्लस जीरो जीरो, और अब ए टू टू की बारी है तो जीरो प्लस वन, तो वन टू जीरो वन। एक बार फिर ये मैट्रिक्स भी ए मैट्रिक्स के बराबर ही है। तो यह जो मैट्रिक्स है आई, ये ऐसा मैट्रिक्स है आप किसी भी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैट्रिक्स वही आंसर में आएगा। इसीलिए हम आई को कहते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी यानी जैसे भी मैट्रिक्स से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में वैसा ही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, आई इज आइडेंटिटी, इसीलिए इसको आइडेंटिटी भी कहा जाता है कि आप जिससे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका आइडेंटिकल मैट्रिक्स ये आंसर में देता है।
अब ये ऑर्डर पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा, अब चाहे आप सेकंड ऑर्डर का है या थर्ड ऑर्डर का है, जिस भी ऑर्डर में आप क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकंड ऑर्डर का लेंगे तो सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, थर्ड ऑर्डर का ले रहे हैं तो थर्ड ऑर्डर वाला आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से रिलेटेड पढ़ी। एक बार फिर हम रिपीट कर दें कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है लेकिन एसोसिएटिव होता है। जनरली ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये बराबर भी हो सकते हैं। ए इंटू बी अगर जीरो है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ए या बी में से कोई जीरो होगा, हो सकता है इन दोनों में से एक भी जीरो ना हो फिर भी ए इंटू बी जीरो हो जाए। इसी तरह से हर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स आई मौजूद होता है जिससे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स में आता है, तो आई को कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 3.2 से हम लेंगे। कल हमने इसके जो क्वेश्चंस करे थे वो क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर दिए थे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है या 10 है या 11 है, इन सभी क्वेश्चंस में 9, 10, 11 और 12 सभी में कुछ मैट्रिक्स इक्वेशंस दी हुई हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन में ले रहा हूं और हमें x, y, z और w ये जो अननोन वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है और 9 से लेकर 12 तक सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। फिलहाल है 12th क्वेश्चन। तो गिवन है 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x, y, z, w is equal to x 6 minus 1 2w plus 4x plus y z plus w और 3। तो ये दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं इस मैट्रिक्स के तो हमें इन चार अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों साइड्स को। तो लेफ्ट साइड होगा 3x, 3y, 3z और 3w और राइट साइड हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस y प्लस 6, z प्लस w माइनस 1 और 2w प्लस 3। तो अब दो मैट्रिक्स हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो 3x और x प्लस 4 बराबर होने चाहिए, यानी 2x 4 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू 2 होगी, तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई है। अब बारी आती है y की, तो 3y और x प्लस y प्लस 6 भी बराबर होने चाहिए, यानी x की वैल्यू 2 प्लस y प्लस 6 है, ये 3y की वैल्यू है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2y इक्वल टू 8। 2y इक्वल टू 8 है यानी y 4 होना चाहिए, तो y की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब नेक्स्ट जो वैल्यू आती है, पहले हमें w को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इस इक्वेशन में z और w दो वेरिएबल्स आएंगे। तो पहले हम 3w की वैल्यू लिखते हैं कि ये 2w प्लस 3 के बराबर है, यानी w की वैल्यू जो है वो 3 है। तो अब एक ही वेरिएबल बचा है, दैट इज z, तो 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1 होना चाहिए। w की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो z प्लस 3 माइनस 1 3z के इक्वल होगा, यानी 2z 2 के इक्वल होगा, z की वैल्यू 1 होगी। चारों वेरिएबल्स हमने फाइंड तो कर लिए हैं, लेकिन हमें अपनी श्योरिटी के लिए इनको चेक भी कर लेना चाहिए कि क्या अगर ये वैल्यूज में इनमें पुट करता हूं तो दोनों साइड बराबर होंगी या नहीं होंगी। मान लीजिए पहले x की बात करें, x अगर मैं 2 रखता हूं
तो लेफ्ट साइड 2 होगा, यहां पर भी 2 हो जाएगा। अब बात करें y की, y 4 है, y की जो वैल्यू है वो 4 है, और यहां पर x ये 3y है और x प्लस वाई प्लस 6 के बराबर होना चाहिए। तो x 2 है, y 4 है, 2 और 4 6 और 6 12 और 3 गुणा y आप जब करेंगे तो ये भी 12 ही आएगा। इसी तरह से आप यहां पर z की वैल्यू, w की वैल्यू आप रखें 3, तो 3 गुणा 3 यानी कि 9 हो गया, और जब w की वैल्यू आप 3 रखेंगे 2 गुणा 3 6 और 6 और 3 9 हो गया। यानी जो भी वैल्यूज हमने फाइंड करी हैं वो सभी इन इक्वेशंस की दोनों साइड को सेटिस्फाई भी करती हैं। तो इस तरीके से हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं, कल के लेक्चर में हम जो पावर्स ऑफ मैट्रिसेस हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।